हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउथ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम मैथ्स के 2023 के डिफेंसेशन के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, है ना। अवतार में से और मास्टरमाइंड में से जो भी 2023 के आ चुके हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले डिफेंसेशन करा रहा हूँ, फिर आगे चल के इंटीग्रेशन कराऊंगा और भी अदर एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगा। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, उसमें जाइए और प्रैक्टिस सेटों को ढंग से करिए सॉल्व। अब देखिए, सबसे पहले मैं दिखा दूं कि आपको दे रखा है, यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है। y बराबर क्या है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो सिद्ध करो कि d स्क्वायर y अपॉन d थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा? माइनस y होगा। d स्क्वायर y अपॉन d थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा? माइनस y होगा। यानी कि हमें थीटा के रेस्पेक्ट में कोई x नहीं है, सिर्फ थीटा के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है, और वो भी डबल डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए, ये हो गया क्वेश्चन समझने का तरीका। अब आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि क्वेश्चन हमारा 2023 में आया है या नहीं आया है। तो भाई, प्रूफ तो चाहिए होता है बच्चों को। तो देखो, ये आपका 2023 आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अब 2023 दिख रहा होगा। ये आपका 2023 में आ चुका है। वाई इजिकल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो सिद्ध आपको ये करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसका एक बार समाकलन अवकलन करेंगे। थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन में डी थीटा हो जाएगा, बराबर डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो देखो, ए को रखा, कॉस थीटा करा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब प्लस, अब बी को रखा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो देखो, एक बार आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम दोबारा से करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर। अब देखो, ये माइनस का ए साइन थीटा है, तो माइनस का ए और साइन थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस, अब बी को रखा, तो कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो आपका ये निकल के आ गया रिजल्ट। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, माइनस ए कॉस थीटा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बी साइन थीटा। ये आपका डबल डिफ्रेंशिएशन निकल के आ गया। अब एक काम करिए, इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए? माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये बचेगा। और अब एक ऊपर देखिए ज़रा कि ये y इजिकल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y। तो देखो, इधर क्या चल रहा था हमारा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस वाई, और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये आपका सॉल्व हो गया, देखा कितना ईजी था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप आपको ये अच्छा लगाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपको दे रखा है y इजिकल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x दे रखा है। क्या दे रखा है? y इजिकल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x। और आपको प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफेंशन है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इजिकल्स टू जीरो। और ये सिर्फ 2023 में ही नहीं आया, ये बहुत बार आ चुका है एक्चुअली में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, एंड तक इसको करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरा, है ना। देखो, 2023 में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो, वाई इजिकल्स टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और आपको ये प्रूफ करना है, और ये रहा आपका 2023, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये, हमें x के सापेक्ष का अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर। तो dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये रहा e की पावर a cos इनवर्स x। तो देखो, पहले e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है। क्या होता है? e की पावर x ही होता है। लेकिन अब ये तो आपने कर दिया e की पावर x, लेकिन जो e की पावर x यानी कि x होता है, उसका भी तो डिफेंशन करना है। तो अब हम किसका डिफेंशन करेंगे? a cos इनवर्स x का डिफेंशन करेंगे, ठीक है। तो e की पावर a cos इनवर्स x, और a cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा? a तो बाहर आ जाएगा इनटू में, और cos इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है माइनस का। किसका होता है? माइनस का, ठीक है। तो आपको अगर मैं बता दूं, माइनस का होता है हमारा,
मैं आगे माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर ये क्या है, ये e की पावर a cos इनवर्स x। तो अभी हमने देखा e की पावर a cos इनवर्स x क्या है, y है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। और ये तो चली रहा है dy अपॉन dx, तो देखो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखो इसकी जगह पे तो आ गया y, है ना, इसकी जगह पे क्या आ गया y, और a साथ में चल रहा है तो ay हो गया कि नहीं हो गया, ay, क्लियर है मेरी बात। और यहाँ पर माइनस चल रहा था तो माइनस का, और यहाँ पर हमने देखा तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्यों ना ये डिवाइड में, मैं इसके पास ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसके पास ले जाते हैं, तो ये इसके पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक, और बराबर में हो गया माइनस का ए वाई, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, इसका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और इधर क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो हट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचेगा, क्लियर है मेरी बात, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशियल निकालना है, तो अब हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में अगेन, है ना, अगेन डिफरेंशियल करेंगे। जब अगेन करेंगे तो सोचो क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो पहले फर्स्ट को रखा सेकंड का, सेकंड को रखा फर्स्ट का, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट को रखा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा, किसका करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर का, तो देखो होल स्क्वायर है, सबसे पहले 2 आगे आ जाएगा और 2 आगे आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इनटू में किसका करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है मेरी बात। अब प्लस, अब इसको रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर को, तो इसको भी रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर रख दिया। अब क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आ गया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरा हो गया, है ना, ये इसका पूरा डिफरेंशिएशन आपके सामने आ गया। अब इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू में देखो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा जब ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा तो देखो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आ गया जाएगा, 2 कहाँ जाएगा आगे, और 2 वाई हो जाएगा, और वाई का क्या हो जाएगा वाई 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई 1, और वाई 1 क्यों लिखा मैंने, वाई 1 का मतलब हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, वाई 1 का मतलब क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, पहले देखो यहाँ पर हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 जो है वो हमने आगे ले लिया 2, और ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, और इनटू में चल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और देखो ये क्या है, ये माइनस का 2 यहाँ पे आ गया, तो देखो यहाँ पर हम इसको अगर प्लस की जगह माइनस कर दें, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया, 2 आगे आ गया और क्या हो गया एक्स हो गया, और ये क्या हो गया एक्स हो गया, और बराबर में क्या हो गया ए स्क्वायर 2 आगे लिख दिया वाई, और वाई 1 की जगह पे क्या लिख दूँ मैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक चीज़ देखो ज़रा नोटिस करो, जो हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना था देखो ध्यान से, हमें प्रूफ ये करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसके अलावा क्या है उधर देखो, इसके अलावा क्या है देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा है 2 है और डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों पक्षों में 2 डी वाई अपॉन डी एक्स से भाग दे दें या तो, या फिर इसमें से कॉमन ले लें 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस से पहले एक तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स है, और माइनस के बाद 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स है, है ना, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। तो देखो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, इसकी जगह पे यहाँ पर क्या आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस देखो 2 गया और डी वाई अपॉन डी एक्स एक चला गया, तो एक बचा और एक्स है, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, बराबर 2 ए स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन अब डी एक्स। अब देखो चूंकि इसके पूरे के मल्टीप्लाई में ही है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स से डी वाई अपॉन डी एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स।
और यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर वाई। अब ए स्क्वायर का वाई इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस ए स्क्वायर वाई, इधर कुछ नहीं बचा तो इज इक्वल्स टू में जीरो। अब देखो जरा हमें प्रूफ क्या करना था बेटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर जीरो। तो देखा आपने, यही हमने अभी प्रूफ कर दिया, जो कि बहुत ही ईजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके कम से कम 4 से 5 नंबर के, जो कि आपको पूरे अच्छे मार्क्स लग जाते हैं, ये कम से कम 5 नंबर का तो आराम से आता है। तो देखा आपने, आप मेहनत करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हमने आज ये 2 क्वेश्चन करे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्रैक्टिस सेट की। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि फ्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ सकें। और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।